कई सालों से हम लगातार ग्राउंड पे काम कर रहे थे और लोगों की समस्या जानने की कोशिश कर रहे थे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, जिस तरह से मैं लगातार इलाके हर इलाके का दौरा कर रहा हूँ और मैंने जो समस्या वहाँ पे पाई थी, हमने उससे पहले भी भाजपा और एलजी प्रशासन में उसको एड्रेस करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ था। मैंने ये पाया था कि हमारे कारा और जिज्ञास में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पुरानी डिमांडें हैं लोगों की। जैसे अगर आप कारा और जिज्ञास की बात करें, बहुत पुरानी डिमांड है कि वहाँ पे मुलानू की जगह पे कारा मुलानू में कॉलेज हो, जिज्ञास में कॉलेज हो। उसके बाद पूरे इलाके में हमने देखा था कि पानी की जो है बहुत बुरी हालत है। हालांकि बहुत सारी स्कीमें जो है वो जल जीवन के उसमें आई थी लेकिन उन लोगों का उस पर कोई उपयोग नहीं हुआ। जैसे अगर आप कैंचा बितोला की बात करें या द्रूट की बात करें या कोता कंसू वगैरह ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो है वो वाटर सोर्सेज नहीं है कि वहाँ से जल जीवन वाले जो है उनको पानी दे सके। इसलिए हमने प्रयास पहले भी ये किया था कि इन इलाकों में जो है दरिया का पानी जो है वो लिफ्ट करके उन इलाकों में जो है उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यही सारी चीज़ें हमने लेके आए थे। उसके बाद आपने देखा होगा कि लगातार मैं हेल्थ सेक्टर को देख रहा था, हेल्थ सेक्टर में भी हमारी बहुत बुरी हालत थी। बाहर के लोग, सिटी वाले इलाकों के लोग जो है वो डॉक्टर्स अगर अपॉइंट किसी गांव में हुए थे तो वहां पे नौकरी वगैरह करना पसंद नहीं करते थे। वो बात भी हमने डिप्टी सीएम साहब से की कि हमारे जितने भी वहां पे गांव वाले इलाके में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको प्रॉपरली डॉक्टर्स दिए जाए क्योंकि आगे मौसम जो है वो बहुत खराब होने वाला है। उसके बाद इसी तरह से हमने बैंक की डिमांड रखी थी कि एटीएम्स जो है वो हमारे जिज्ञास और मलिकपुरा के मकाम पे एटीएम हो, इसके लिए भी लोगों ने बहुत पहले से ये डिमांडें रखी थी। उसके बाद हमारा एक रोड था कपाड़ी ढीसान और पदरन को लेकर जो बगली को टच करता है, इसके बारे में हमने बात की कि ये रोड भी जो है होना चाहिए। इसके बारे में हमने कल भी डिप्टी सीएम साहब से बात की थी, उन्होंने मुझे सेक्रेटरेट बुलाया था, सेक्रेटरेट आने के लिए कहा था, वहां पे भी आज हमारी इस विषय पे बात हुई कि ये सारी चीजें हमारे लिए होनी चाहिए। और भी बहुत सारे लिंक रोड्स हैं। अगर एक लिंक रोड था हमारा जो एक टूरिज्म स्पॉट को टच करता था, जिस जो बहुत पुरानी डिमांड थी लोगों की कि गुंडू ए से उस रोड को निकाला जाए, खानपुरा से होते हुए वो रोड जो है वो गाशिर टाप को जाएगा। एक बहुत खूबसूरत जगह है हमारे इस इलाके की, एक टूरिस्ट स्पॉट है लेकिन बदकिस्मती से वहां तक अभी रोड नहीं पहुंचा है। उस रोड को भी हमने अपने मेमोरेंडम में रखा और उस गाशिर टाप के बारे में भी हमने डिप्टी सीएम से कल बात की थी कि बहुत खूबसूरत जगह है, उसको टूरिज्म मैप पे भी लाया जाए। उसके बाद पीएचडी सेंटर्स की हमारी बहुत बुरी हालत थी। हमारे जिज्ञास में एक पीएचडी सेंटर है, बहुत पहले से हम डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक बिल्डिंग अच्छी सी होनी चाहिए थी। बहुत छोटी बिल्डिंग है और बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उसके लिए भी हमने बात की। उसके बाद अपना हमारी मुलानू में एक पीएचडी सेंटर है, उसको 24x7 करने की बात हमने की कि ये 24x7 वहाँ पे मुलानू में होना चाहिए, उससे भी हमने बात की। और वहाँ से बहुत सारे रोड्स जो हैं वो कारा सेक्टर्स के भी थे जिन पे हमने बात की। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिसेंटली मैं घूम के आया था वो हाई स्कूल त्रहकल था। मैं आपको क्या बताऊँ कि हाई स्कूल त्रहकल जो है एक ऐसी जगह, ऐसा गांव है और 10 क्लासेज हैं उस स्कूल की, 1 से 10 तक वो स्कूल है लेकिन बदकिस्मती से एक ही रूम उस स्कूल में अवेलेबल है। उसका हमने बार बार जोर देकर डिप्टी सीएम साहब से भी और आज जावेद राणा साहब से भी उसके बारे में डिस्कस की कि सबसे प्रायोरिटी पे जो है इस त्रहकल के स्कूल को लिया जाए क्योंकि ये हमारी बदकिस्मती है कि एक स्कूल जो हाई स्कूल जो है सिर्फ एक रूम उनके पास अवेलेबल है बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बारे में भी हमने बात की। इसी तरह से हमारे पास एमएस तेंदला था, वहां पे हमने बिल्डिंग की बात की। उसके बाद कुटवाड़ में एक हमने बिल्डिंग की बात की, एमएस कुटवाड़ है, वहाँ पे हमने इस बिल्डिंग की बात की। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने पिछले अपने इस जो हम घूम रहे थे इलाके में जो हमने पाया कि ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात की। और जहाँ तक जावेद राणा साहब का सवाल है, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जो चीज़ें ये हैं इनको बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि ये बहुत जल्दी जो है ये चीज़ें हो। और एक आयरन ब्रिज, फुट आयरन ब्रिज जो है निलसू भटियास के पास, जहाँ पे आज तक बहुत सारे लोग, एक लकड़ी का वहाँ पुल बनाया हुआ है लोगों ने, उस पुल से बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, हमने वहाँ पे वो चीज़ भी अपने मैनिफेस्टो इसमें मेमोरेंडम में रखी थी कि वहाँ पे कम से कम एक आयरन ब्रिज होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने मेंशन की है, जो मैं सोशल मीडिया पे भी दूंगा कि ये सारी चीज़ें जो है हमने मेंशन की है। और राणा साहब ने भी और सुरेंद्र चौधरी साहब ने भी आश्वासन दिया है और सतीश साहब ने भी कहा है कि ये सारी चीज़ें जो आपने दी हैं इन पे हम काम करेंगे। और जो चीज़ें हमने दी हैं कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम लगातार इन चीज़ों पे प्रयास करेंगे और इन चीज़ों को हम प्राप्त करके रहेंगे इंशाल्लाह।